अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल रॉक गेमर एफएफ। तो गाइस आज हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है यार एक न्यू इवेंट यार, जो बहुत ही अच्छा नौ डायमंड में अच्छा है। वो उसके बाद वाले स्पिन में तो बहुत ही घटिया है यार, वो चीज़ जो उसके बाद वाले स्पिन है 199 का बहुत ही घटिया। तो चलते हैं इवेंट की तरफ। मैं अभी आपको एक ही स्पिन करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास यार इतना डायमंड नहीं है। अगर मेरे पास ज़्यादा डायमंड होता तो मैं निकालता शायद यार, क्योंकि इसका बंडल मैंने देखा है बहुत ही घटिया तरीन बंडल होता है वो बंडल। इससे अच्छा बंडल तो हमें रैंक टोकन से मिल रहा है यार, इससे अच्छा बंडल वो भी बहुत खतरी बंडल मिल रहा है रैंक टोकन से, जो है मिल रहा है। अभी हम चलते हैं इवेंट का, देखें अभी इसका लिखा हुआ है ईस्ट हीरो में स्ट्राइक अप टू 3 कैन विथ रिवॉर्ड्स। मतलब आप 3 स्पिन कर लेंगे तो शायद आपको यही लिखा हुआ है कि हमें रिवॉर्ड्स मिल जाएगा, बल्कि नहीं 3 हमें वो टोकन मिलेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी हमने 9 वाला कर दिया, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइस हमें मिल चुके हैं मैकलडन स्कार के कुछ टोकन, 10 टोकन और इनक्यूबेटर वाउचर। तो अभी हम देखते हैं, अभी मैं इनक्यूबेटर वाउचर का भी करके दिखाता हूँ। और गाइस आपको पहला वाला एक मिलेगा तो एक में ये मिल जाएगी सर्वो, दूसरे में कस्टम कार्ड और तीसरे में आपको बंडल मिल जाएगा। अगर आपको ये मैं दिखा जो मेरा नहीं निकला, वो जो मैं देखें नहीं निकला मेरा एक चीज़, वो आपको अगर 3 मिल गया तो आपको बंडल सब मिल जाएगा। पर बंडल बेकार है, इसके ऊपर डायमंड खर्च करना बेकार है यार। इससे अच्छा आप किसी और चीज़ में डायमंड खर्च कर लें, बेकार है। 199 बहुत डायमंड लग जाएंगे इसके, कम से कम 1000 डायमंड में निकल जाएगा आपका बंडल। मैं भी आपको इनक्यूबेटर वाउचर का करके दिखाता हूँ। मैकलडन स्कार के कहाँ गए? अच्छा वो जब मैं अपग्रेड करूँगा जब आएँगे वो। अभी तो इंशाल्लाह मैं आपको स्कार भी निकाल के दिखा दूँगा, ये स्कार भी निकालनी है यार। तो गाइस चलते हैं इनक्यूबेटर की तरफ। कौन से इनक्यूबेटर? जापान रॉयल में नहीं आया क्या? जापान रॉयल नहीं, इसमें नहीं आया, इसी में कर लेते हैं। कुछ तो निकले, अबे यार शिट हो गया, मुझे एवोल्यूशन स्टोन चाहिए था, ब्लू प्रिंट तो मैं क्या करता उसका। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।